2023 जा रहा है, 2024 आ रहा है, नए वर्ष का स्वागत। लेकिन जब पुराने की तरफ मैं नजर डालता हूं तो मेरा मन आनंद और आत्मसंतोष से भर जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर विशाल बहुमत से अब तक के सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेकर फिर सरकार बनाई है, और इसका अर्थ सीधा यह है कि सरकार के कामों से मध्य प्रदेश की जनता प्रसन्न थी, आनंदित थी। विकास और जन कल्याण दोनों ने जनता के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाला था, इसलिए हमको भारी बहुमत मिला। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, संगठन के कार्यकर्ताओं का काम, समविचारी संगठनों के प्रयास, सबने जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन सरकार के कामों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो विकास के हो या जन कल्याण के काम। मैं इस प्रसन्नता के साथ कि लगातार 17 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जनता के मन में स्नेह, जनता के मन में विश्वास है, आनंद के साथ विदा हुआ हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के इन कामों को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे और आगे ले जाएगी। पिछले वर्षों में मेरी सरकार ने जो काम किए उसके कारण मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से एक समृद्ध और विकसित राज्य बन गया। एक जमाना था सड़क, बिजली, पानी कहीं भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सड़कों का जाल हो, सिंचाई का पानी हो, पीने का पानी हो, बिजली का बेहतर इंतजाम हो, और कृषि के क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए। एग्रीकल्चर ग्रोथ मध्य प्रदेश की 18+ कई बार 22% तक रही है, जो अपने आप में दुनिया में एक रिकॉर्ड है। और केवल खेती नहीं, खेती के साथ साथ सीएम राय जैसी परिकल्पना इस बार साकार की, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई मेडिकल कॉलेजेज का निर्माण हुआ। लगभग 30 मेडिकल कॉलेज अब मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। शहरी विकास हो, ग्रामीण विकास हो, मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। महाकाल महालोक हो, देवी लोक हो, राम रजा लोक हो, हनुमान लोक हो, संत रविदास जी का भव्य और विशाल मंदिर हो, रानी दुर्गावती का स्मारक हो, एक नहीं अनेकों काम करने का मुझे आनंद भी है और संतोष भी है। मेरा विश्वास है कि लगातार ये काम आगे बढ़ेंगे। वो राज्य जिसका कुल बजट कभी 21,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज 3,19,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश का बजट है। पर कैपिटा इनकम बढ़ के सीधे 11,000 से 1,40,000 रुपया तक पहुंची है, और GSDP हमारी जो कभी 71,000 करोड़ रुपए की हुआ करती थी, आज 13.5 लाख करोड़ तो पिछले साल थी, इस बार 15 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएगी। तो मन में संतोष है कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास में बहुत उल्लेखनीय काम हम दे पाए। अब ये काम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।